निकाल लिया फोटो ऑब्वियसली आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि ये बहुत डिफ़िकल्ट आर्ट फॉर्म है जो ये मेरी ट्रेनर है लाना जो बहुत ही ईजीली कर देती हैं सब कुछ बट आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग इन इंडिया बाहर काफ़ी फेमस है ये चीज़ें लेकिन यहाँ पे नहीं है ये चीज़ एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई इट और आई थिंक आई एम ऑल्सो डूइंग इट प्रिटी सीरियसली आई मीन मैं घर पर भी एक पोल ला चुकी हूँ और घर पर भी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इट्स वेरी टफ but it's fun, it's a lot of fun and especially when Lana is teaching you, it's a lot of fun. Thank you. So she's really dedicated, one of the most dedicated students. She's a hard worker, I can say, because she has a pole at her home, right? So whenever she comes for the next class, she already knows a lot of new things and we're like sharing the experience by that moment of time.
something she can show me new, something I can teach her. So of course it's a pleasure to work with people who know what they want and go for it. When I don't have to convince her, please do it. She's doing it, and it's a great fun indeed. And you're teaching a lot of other celebs as well. Whom all are you teaching? So my first and the most famous student is Jacqueline Fernandez. She actually started everything in here. Then I have Isha Gupta. She's also my student. Anushka Disco. She's a singer. As well as a celebrity hairdresser, Sapna Moti. So, and some other stylists and makeup artists who are involved into this Bollywood industry, but they are not as seen as the actors and singers. But yeah, especially this part of people, of population, they like to try something new. They have to work out, they have to keep their body in shapes and having fun on the way. This is very important. लेकिन एक चीज मैं जरूर mention करना चाहूँगी कि Indians में ना usually एथलीट को या फिर स्पोर्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. हमारे यहाँ पे एकेडमिक्स, हमारे यहाँ पे आर्ट्स, डांस हो, सिंगिंग हो, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. इसीलिए मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हमारे जीन्स में नहीं है ये, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटेंस स्पोर्ट. ये कोई आसान स्पोर्ट नहीं है, और ये इनके लिए एक ब्लेसिंग होती है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव समवन इन दियर जनरेशन हु इज़ समवॉट रिलेटेड और बीन इनटू एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स. सो इट कम्स वेरी इजीली टू देम. इट डजंट मीन दैट दे डोंट डू द हार्ड वर्क, बट इट इज जस्ट दैट इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव दोज जीन्स, वी डोंट हैव दोज स्ट्रेंथ, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन अपब्रिंगिंग. बट देन आई गेस यू जस्ट हैव टू शो अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, और अगर कुछ कर गुजरना है तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. या एग्जैक्टली, व्हाटएवर योर बॉडी कंडीशन और फिटनेस लेवल, इट डजंट मैटर, बिकॉज इफ यू हैव द डेडिकेशन, इफ यू हैव द पैशन, यू कैन डू एनीथिंग. नो वन कम्स टू द स्पोर्ट और एनी काइंड ऑफ आर्ट प्रिपेयर्ड और द रेडी एथलीट और परफेक्ट. यू जस्ट नीड टू हार्ड वर्क. काफी एनर्जी लगी, बहुत तोते उड़ गए. बहुत इनफैक्ट एनर्जी तो लगती है, साथ में चोटें भी बहुत लगती हैं, ब्रूजिंग होता है बहुत ज़्यादा. हाँ, वो तो गिरना तो अभी मतलब आदत सी हो गई है, कुछ लगता नहीं है, बट गिरना फिर भी ठीक है, लेकिन जब चोट लगती है देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो इट्स ऑल ब्लैक एंड ब्लू. बट देन नाउ आई गेस आई एम नॉट दैट ईजिली ब्रूज्ड, बट इट्स फन. मुझे लगता है थोड़ा पागलपन है इसमें, लेकिन पागलपन के बिना कोई भी अलग चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते. कोई सीरियस इंजरी हुई है? यार कैसे सवाल कर रहे हो? नहीं, प्रैक्टिस तो नॉर्मली होता है. जी जी, होता है. या ये टफ तो है, और मेरा एक गलती है मुझसे जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ कोई ना करें, कि जो इन्वर्ट्स और ये सारे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो नीचे क्रैश मैट रखना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका ग्रिप अगर छूट गया, कुछ हो गया, तो यू जस्ट फॉल ऑन द क्रैश मैट एंड नॉट ऑन द फ्लोर. ये एक गलती है जो मैं करती हूँ. आई डोंट प्रैक्टिस ऑन अ क्रैश मैट, बट प्लीज डोंट डू दैट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू आर न्यू टू द पोल. सो डोंट डू दैट. जी जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैंने सीरियसली प्रैक्टिस करना पिछले 4 महीनों से शुरू किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर कुछ नई चीज़ सीख रहे हो तो खुद को मोटिवेट करने के लिए आप उसका एक डायरी रखें, एक फॉलोअप रखें. तो आजकल इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट, यू नो, काइंड ऑफ अ अपडेट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. सो व्हाटएवर प्रोग्रेस वीडियोज़ और व्हाटएवर स्टफ आई एम लर्निंग न्यू, आई पोस्ट दैट ऑन इंस्टाग्राम, विच इज़ मोटिवेटिंग फॉर मी. तो आपको पता चलता है कि आप 4 महीने में आपने कितना प्रोग्रेस किया है. एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग. ये पोल डांस किस लिए सीख रहे? कोई मूवी? अरे नहीं यार, कुछ मूवी के लिए नहीं. आई एम जस्ट लर्निंग एज अ स्पोर्ट. क्या है एक चीज़ जो मैं एक और मेंशन करना चाहूँगी, कि पोल को थोड़ा एक टबू की नज़र से देखा जाता है. थोड़ा एक ओ माय गॉड, ये सिर्फ स्ट्रिपर्स करते हैं, या ये पता नहीं अच्छे घर की लड़कियां नहीं करते हैं, या ऐसे कुछ है. तो ये थोड़ा सा एक एक एक, एक टबू है स्पोर्ट के ऊपर, इस पोल के ऊपर. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पोल को अब ओलंपिक्स में ऑफिशियल एंट्री मिलने वाली है, मिली नहीं अब तक, लेकिन पीपल आर ट्राइंग रियली हार्ड दैट दे गेट एन ऑफिशियल एंट्री ऑफ पोल एज एन ओलंपिक स्पोर्ट. एंड इट इज़ अ स्पोर्ट. And by the way, it has been recognized recently officially as a sport. Okay. So like as a but ballet, not in the Olympics yet, right? It's not yet. So it's one of the steps. Correct. Before going to Olympics, you have to recognize who you are. Correct. So you are the sport. Correct. We are the sport. Yes.
So this is not a dance. Yes, it's creative, it's beautiful, it's flowy and all of that, but then it's a sport. Like a ballet. Ballet is a sport. Ballet, yeah, absolutely. Ballet is a sport. And it's, I feel, toughest of all to do ballet, I think. Very tough. कॉमेडी दंगल का पहला सीज़न अभी ख़त्म हुआ है और दूसरा सीज़न हम शुरू करने वाले हैं, तो जब तक वो शुरू होता है तब तक ये सब घर में तो बैठूंगी नहीं मैं. कूल, थैंक यू सो मच. थैंक यू.